हेलो स्टूडेंट्स, एरर में देखो भाई, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बन जाता है कई बार। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये चार टाइप के एरर और पढ़ेंगे हम। देखो पहले, इससे पहले जो दो टाइप के एरर हमने किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, एक तो सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रेंडम एरर। उसके साथ हमने एक्यूरेसी, प्रीसीजन और लिस्ट काउंट, ये हमने बेटा फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं हम एरर की। अब जो दूसरी वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम न्यूमेरिकल टाइप करेंगे। और शुरू में तो मैं इसको थ्योरेटिकली एक बार समझाऊंगा, एक एग्जांपल से करवा के भी दिखाऊंगा। और देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, आपको मजा आ जाएगा इसको करने में, बस थोड़ा सा ध्यान चाहिए बेटा आपका। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है और परसेंटेज एरर क्या होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मान लो, जो मैंने एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में लिया था, प्रीवियस वीडियो में क्या लिया था कि वी हैव अ मार्कर, इट्स ओरिजिनल लेंथ ट्रू वैल्यू है जो वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, एक बच्चे ने 9.9 निकाली थी और एक बच्चे ने निकाली थी 10.0, मैंने ऐसा कुछ एक एग्जांपल लिया था। मान लो मैं इसकी लेंथ मेजर करने के लिए 10, 12 या एन बच्चों को दे देता हूं, एन बच्चे को, मतलब हमें नहीं पता 5 है, 10 है, 50 है, 15 है, 20 कितने हैं। तो मान लो उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू पहले बच्चे ने निकाली A1, दूसरे ने निकाली A2, A3। तो चलो मैं इससे ही स्टार्ट कर लेता हूं, लेट एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल से इनकी डेफिनेशन आपके सामने आती रहेंगी। A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन AN आर मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यूज हैं। अब हमारे को इसकी मीन वैल्यू नहीं पता, ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है। ट्रू वैल्यू को हम कौन सी मान लेते हैं, इन सभी की मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, इन सभी की जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है इन मेजर्ड वैल्यू की मीन ले लेंगे। जैसे मान लो मेरे पास, मेरी क्लास में 5 बच्चे लिए मैंने, उन 5 का मैं वेट कर रहा हूं, पहले का वे आ गया 57, दूसरे का आया भाई 60, तीसरे का आया 62, चौथे का। अब उनकी मीन वैल्यू को ही हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। उनकी मीन वैल्यू को ही क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकाल लो इन सभी की, उसको हम क्या मान के चलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू को किससे नोट करेंगे, AM से। AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड अप टू सो ऑन AN डिवाइड बाय N। ये उन सभी की क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू को ही मैं क्या मान रहा हूं, ट्रू वैल्यू। दिस मीन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। इस मीन वैल्यू को ही हम क्या मानते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में भी बेटा आप 2 या 3 या 4 मेजरमेंट करोगे और मैं कहूंगा कि भाई इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, उन 2 या 3 या 4 वैल्यूज को जोड़ दो और उनके नंबर से डिवाइड कर दो, वो उसकी मीन वैल्यू आ गई, आपका रिजल्ट वो हो जाएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू बन जाती है ये। ठीक है, अब एक बात सुनो, अब हम पहुंचते हैं पहले एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एरर क्या था, एरर मैंने पहली वीडियो में बताया था बेटा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, एरर। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एरर। मान लो पहली मेजरमेंट कितनी है, A1, A1 के अंदर एरर कितना हो गया, अगर आपसे पूछूं तो एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट कितना बना भाई, फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर एरर, उसको मैं नोट कर लेता हूं, मान लो डेल्टा A1 से। किसे नोट किया, डेल्टा A1 से, और डेल्टा A1 किसके बराबर हो गया, A1 माइनस AM, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, उसी को तो एरर बोला था। अच्छा, एरर इन सेकंड मेजरमेंट कितना बन जाएगा, उसको मैं नोट कर लेता हूं डेल्टा A2 से, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस AM। एरर इन थर्ड मेजरमेंट में कितना बन गया भाई, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस AM। इसी तरीके से हम चलते गए फोर्थ के लिए, इसी तरीके से फिफ्थ के लिए, और इसी तरीके से हम कहां पहुंच गए, nth मेजरमेंट के लिए AN इज इक्वल टू AN माइनस AM, इस तरीके से आगे तक। फर्स्ट में मेजरमेंट में एरर कितना हुआ, डेल्टा A1, दूसरे में डेल्टा A2, तीसरे में डेल्टा A3, डेल्टा AN। ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN है, इन डेल्टा A1, A2, A3 को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर। यही क्या बोली जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब पहले के अंदर जो एरर बनी वो डेल्टा A1, वो पहले की एब्सोल्यूट एरर होगी।
डेल्टा ए टू दूसरे की एब्सोल्यूट एरर होगी, डेल्टा ए थ्री तीसरी मेजरमेंट की एब्सोल्यूट होगी, और डेल्टा ए एन एमएथ मेजरमेंट की एब्सोल्यूट होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इन जो ये मेजरमेंट्स हैं डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री एंड डेल्टा ए एन, इन सभी की अगर मैं मीन ले लूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको हम क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो, अब मैं मीन लेता हूं इनकी, तो पहले ये बात क्लियर होगी, मैं यहां पे नीचे लिख भी देता हूं, ये क्या आ गया आपका? एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा इनकी है ना डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इनको आप समझो। ये समझना क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? जी, जो जितनी भी हमने वैल्यूज मेजर की थी उनकी मीन वैल्यू निकाली, और पहली मेजरमेंट का और उस मीन वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर होगी? हाँ, इसमें एक पॉइंट और बता देता हूं। एक पॉइंट और क्या कि ये डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, ये प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। इन सभी को प्लस बनाना है हमने। बताओ प्लस कैसे बनाएंगे? अपने पास मैथमेटिकल एक टूल है, हम इनके ऊपर मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोड। मोड का मतलब जैसे मैं इसको लिखूं डेल्टा ए वन मोड, डेल्टा ए टू मोड, डेल्टा ए थ्री मोड, एंड अप टू सो ऑन डेल्टा ए एन मोड। तो ये सारे क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव वैल्यू बन जाएंगे। सारी क्या बन जाएंगे बेटा? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव रखना है, यानी कि उसके ऊपर मॉड्यूलेशन लगा देता हूं, मोड। मोड बोल देते हैं इसको हम सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो अब नेक्स्ट हम करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अभी मैंने बताया था, जितनी भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई है उन एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू ले लेनी है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोली है मैंने? सभी एब्सोल्यूट एरर्स की मीन वैल्यू ले दो। इसको मैं मान लो किससे नोट कर लेता हूं? डेल्टा ई एम से। किससे नोट किया है? डेल्टा ई एम से। तो डेल्टा ई एम इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री एंड प्लस अप टू सो ऑन कहां तक? डेल्टा ई एन डिवाइड बाय एन। तो ये क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किसे नोट कर दिया हमने? डेल्टा ए एम से। किसे नोट किया है? डेल्टा ए एम से। तो दो एरर हो गए भाई अपने पास, कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर बिल्कुल सिंपल है, थर्ड वन रिलेटिव एरर। जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें। मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो वो आपका जो एरर बनेगा वो कौन सा एरर बनेगा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव बेटा हमेशा ही एक दूसरे के कंपैरिजन में भी बताया जाता है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो हम जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं वो मीन एब्सोल्यूट एरर किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं? मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड के। जितनी भी अपनी पास मेजरिंग वैल्यूज है उन मेजरिंग वैल्यूज की मीन वैल्यू लेनी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। तो सिंपली आप कह सकते हो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ, किस किस की रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कह लो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू वैल्यू। यही तो हमने ट्रू वैल्यू मानी थी ना, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। अब थर्ड वन है, फोर्थ वन आ गई भाई, हम परसेंटेज एरर पूछ ली जाती है आपसे। परसेंटेज एरर, इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में आ जाएगा? वो परसेंटेज में आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। डेल्टा एम डिवाइड बाई ए एम इंटू 100। तो ये किस में चला गया? परसेंटेज एरर में। देखो मैंने अब फॉर्मूले बता दिया आपको भाई, फॉर्मूले क्या क्या बताए हैं वो सुनो ध्यान से। पहले हमने क्या निकाल लिया? मीन वैल्यू। अपने पास मान लो मेजरिंग वैल्यूज थी ए वन ए टू ए थ्री तक, उनकी मीन वैल्यू को ही हमने क्या मान लिया? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या आई थी? ए एम। ए एम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन डिवाइड बाई एन कर लिया था। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली, जो मीन वैल्यू थी वो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड अप टू सो ऑन ए एन सभी में से घटा दी, तो वो सारी क्या आ गई? डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, सभी के ऊपर मोड लगा दिया, पॉजिटिव बन गई, वो सारी क्या बन गई? एब्सोल्यूट एरर। क्या बनी थी वो? एब्सोल्यूट एरर। इन एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू ले ली,
इन एब्सोल्यूट एरर की मीन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो ये मीन वैल्यू आई थी और मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इन दोनों की रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। इन दोनों की रेशियो को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आंसर किस में चला जाएगा, परसेंटेज, उसी को हम क्या बोल देते हैं, परसेंटेज एरर। क्लियर होगी? अब देखो बेटा ये जो मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, एक एग्जांपल में मैं करवा देता हूं कैसे हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लो एक बार। देखो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल इसके ऊपर पूछे जाते हैं आपसे, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं बिल्कुल सिंपल सा है, एनसीईआरटी से ले लेता हूं मैं, आप भी देख सकते हो ये एग्जांपल मैंने कौन सा किया है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर आपका ये 25 पे, पेज नंबर 25 पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम आपने सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुना है और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स टाइम, अब जो इसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन होता है वो टाइम ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं, पांच टाइम दे रखे हैं, पांचों में लिख लेता हूं। T1 दे रखा है 2.63 सेकंड, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, T4 दे रखा है और T5, पांच दे रखे हैं ये, मैं पांचों की वैल्यू लिख लेता हूं। 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड और लास्टली दे रखा है 2.81 सेकंड। अब देखो हमने बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने, पहले क्या किए थे, मान लो ये आपके T1, T2, T3, T4, T5 दे रखे हैं, वहां पे मैंने क्या माना था A1, A2, A3, A4, अब कहां तक दे रखे, पांच तक दे रखे, वहां तो हमने N तक मान लिया था, अपना काम आसान हो गया, तो पांच तक दे रखे, तो पांचों की क्या निकाल ली, पहले मीन वैल्यू, पांचों की क्या निकालनी है, मीन वैल्यू, यानी कि TM, मीन टाइम कितना आ जाएगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.81, ये हो गया डिवाइड बाई क्या कर देना है 5। देखो भाई इसकी मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख चलता हूं ताकि अपना टाइम कम लगे। बेटा जब इन सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मीन वैल्यू ऑफ टाइम, मीन वैल्यू ऑफ टाइम आपकी आ जाएगी 2.62। मीन वैल्यू ऑफ टाइम कितनी आ गई, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं 2.62, आप कैलकुलेट करके बेटा इसको लिख सकते हो 2.62 सेकंड्स आई। अब फिर हमने ये तो क्या आया, अभी तो मीन वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू, अब हमें निकालने क्या है, एब्सोल्यूट एरर। देखो अब मैं पहला स्टेप करने जा रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट में डेल्टा T1 नोट कर लिया, डेल्टा T1 कैसे निकाली थी, मेजर वैल्यू 2.6263 है भाई, माइनस मीन वैल्यू 2.62, हाउ मच यू गॉट 0.01, ये आ गया डेल्टा T1। दूसरे में डेल्टा T2 कितना आ जाएगा, डेल्टा T2 देखो, डेल्टा T2 2.56 माइनस 2.62, ये नेगेटिव में जाएगा, पर मैंने पहले ही मोड लगा रखा है, नेगेटिव में कितना गया 0.06, ये माइनस 0.06 ही बचेगा ना, ठीक है। डेल्टा T3 में भाई 2.42 माइनस कितना बना 2.62, घटाओगे तो देखो कितना बन जाएगा, इसमें से 42 और ये 20 का डिफरेंस हो गया तो माइनस 0.20। डेल्टा T3 T4 2.71 माइनस 2.62, ये हो जाएगा भाई 9 का डिफरेंस हो गया तो प्लस में जाएगा ये 0.09 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और डेल्टा T5 में, डेल्टा T5 में देखो 2.81 है माइनस 2.62, यानी कि ये 19 का डिफरेंस बना देगा, 19 का डिफरेंस हो गया ये प्लस में 0.19। अब इन सभी पांचों को देखो, ये वैल्यू 5 है, इन पांचों को, ये पांचों क्या आई है, ये आई है बेटा एब्सोल्यूट एरर, क्या आई है ये पांचों, एब्सोल्यूट एरर, क्या आई है ये पांचों, एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बन जाएगा,
सभी को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, जोड़ो सभी को, मैं यहीं पे जोड़ देता हूं। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर मैं यहां निकाल रहा हूं, सेकंड पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर, इनको जोड़िए, जोड़ो कितना बना 6, 7, 7 और 18 कितने हो गए भाई 8, 7, 15, 25 5, 2, 2 और 2, 4, 1, 5 0.5 यानी कि ये हो गया 0.55 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आंसर आया 0.11 सेकंड। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.11 सेकंड, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.11 सेकंड। अब तीसरी क्या निकालनी थी, क्या निकालनी है, वेरी गुड, तीसरा है रिलेटिव एरर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल देखो कितना आसान से हम जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव किस किस की रेशियो बताई थी, रिलेटिव जी मीन वैल्यू और ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव तीसरा पॉइंट में पहुंच रहा हूं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर देखो क्या बताया था, मैंने बताया था डेल्टा टीएम, ये हो गया डेल्टा टीएम, ये है डेल्टा टीएम डिवाइड बाय टीएम मीन वैल्यू, तो डेल्टा टीएम कितना आया, डेल्टा टीएम 0.11 डिवाइड बाय टीएम कितना आया, टीएम टीएम ढूंढो ये रहा 2.62। देखो डेसिमल से डेसिमल उठा दो, डेसिमल से डेसिमल उठ गया, ये इस रेशियो को आप सोल्व करो चाहे ना करो, इस रेशियो को सोल्व करो चाहे ना करो, इतना ही रख लो, ये आपका क्या गया रिलेटिव एरर, फिर भी अगर पूछे तो आप सोल्व कर लेना इसको। अब मैं डायरेक्ट पहुंच रहा हूं परसेंटेज एरर पे, चौथा जो पॉइंट है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करना था बेटा, आपने गुणा कर देना था 100 से 262 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये आपके पास क्या बन गया 1100 डिवाइड बाय 262, 1100 डिवाइड बाय 262, तो इसका आंसर अप्रोक्स देखो ये 5 पे जा रहा है, 5 नहीं 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं आंसर अगर लिख दूं तो अप्रोक्स ये जा रहा है 4% के, अप्रोक्स ये किसके जा रहा है बेटा 4%, तो 4% आंसर आपका ये रहेगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर भी मैं लिख देता हूं, किताब से देख के आप लिख सकते हो, ये आ जाती है 2. रिलेटिव एरर भाई देखो आप इसको, चलो मैं इसको क्वेश्चन को आपके आगे डाल देता हूं, ये रिलेटिव एरर आप मेरे को सोल्व करके बताओगे कि कितना पहुंचता है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है बेटा, रिलेटिव एरर की रेशियो आप निकाल के बताओगे। और इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कर लो, 2-3 क्वेश्चन हो जाने के बाद दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बिल्कुल सिंपल सिंपल से दे रखे, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन बेटा सोल्व करके आप मेरे पास भेजोगे आंसर, ये आपका होमवर्क रहेगा, 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप सोल्व करके मेरे पास इसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है, थैंक यू।